और शेर आने के बाद बोला कि नहीं कि मैं नहीं मरूंगी, सिर्फ तुम मरेगा। जिसका चिंता करने वाला कोई होता है वो जिंदगी में कभी नहीं फंसता है। और दी गई है मेरी बेटी कब आएगी, मेरी बेटी कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। जंगल था, उस जंगल में गाय चल रही थी, अचानक एक शेर आ गया और शेर आने के बाद उसपे हमला। जैसे ही शेर आया तो गाय भागा, गाय जोर से भागा, तो गाय जब भागा तो गाय के पीछे पीछे शेर भी भागा, गाय भागा गाय के पीछे पीछे शेर भी भागा। तो आगे एक दलदल था, दलदल मतलब होता है जहाँ पे गीला न रहता उसको दलदल, तो दलदल था। दलदल जब था तो दलदल में गाय फंस गया, तो गाय जब फंस गया तो पीछे जो है थोड़ा शेर भी फंस गया और वो गाय भी फंस गया, दोनों फंस गया। तो लेकिन कुछ दूर बाद आगे था गाय और पीछे था शेर, दोनों फंस गया। फंसने के बाद क्या हो गया, गाय हंसने लगी, गाय हंसने लगी। तो शेर बोलता है कि तुम क्यों हंस रही हो, तो बोला कि अब तो तुम मरेगा। तो शेर ने बोला अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मरेगा, क्योंकि तू भी जो है दलदल में फंसी हुई है। बोला कि नहीं कि मैं नहीं मरूंगी, सिर्फ तुम मरेगा। शाम का समय हुआ, शाम का समय जब गाय का जो मालिक था वो आया, देखा खोजा उजा उसको नहीं कहीं मिला कि गाय कहाँ चली गई है। तो खोजने के बाद जब बहुत देर खोजने के बाद पता चला कि गाय जो है दलदल में फंसा हुआ, तो गाय गया और गांव वालों को कुछ बुलाया, गांव वालों को बुलाने के बाद गाय को उसमें से बचा लिया, गाय को निकाल लिया है कि नहीं। तो गाय हंसने लगी, शेर को देखे गाय हंसने लगी, तो वो देखा मैंने बोला था ना तुम मरेगा, अब तुम मरेगा। उस गाय बोली कि जिसको संभालने वाला होता है, जिसको रक्षा करने वाला होता है, जिसका चिंता करने वाला कोई होता है वो जिंदगी में कभी नहीं फंसता है। और देखो हम आज निकल गए इसमें से और तुम उसी में फंसे रह जाओ, उसी में फंसे रह गया है कि नहीं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती, हमें अगर हम लोग को अगर कोई संभालने वाला है, अगर हम लोग का कोई चिंता करने वाला है, अगर हम लोग को कोई आपके माँ बाप आपको डांट देते हैं तो आप लोग गुस्सा हो जाते हैं, गलत। अगर आपके माँ बाप अगर आपको डांटते हैं तो अगर आप इसका मतलब ये समझिए कि वो आपका चिंता करते हैं, उसका चिंता करते हैं, उसका आपको उसका आपको अधिकार है डांटने का, वो आपको डांट सकते हैं। तो अगर वो आपको डांटते हैं तो आप गुस्सा कभी नहीं होइए कि हमें क्यों डांट दिए। अगर जिसको संभालने वाला होता है वो जिंदगी में कभी भी आपको ठोकर नहीं खा सकते, कभी भी आप नहीं फंस सकते हैं। सबसे पहले तो आपके माँ बाप आपके माँ का रिस्पेक्ट होना चाहिए। जब आप घर जाते हैं तो आपके लिए जो है खाना तैयार रखती है, आपके लिए आपका इंतजार करती रहती है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई है, मेरी बेटी कब आएगी, मेरी बेटी कहाँ चली गई है, कितना देर से है कि नहीं। तो जिसको संभालने वाला होता है वो जिंदगी में कभी नहीं फंसता है। आपके टीचर और माँ बाप का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप और टीचर ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी आप कहीं भी अगर आप फंस जाते हैं तो आपको हमेशा निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप अपने टीचर और अपने माँ बाप का हमेशा रिस्पेक्ट करा कीजिए, और उसके साथ साथ आपको जब भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का सलूशन आप अपने टीचर से ले सकते हैं, अपने माँ बाप से ले सकते हैं। और टीचर और माँ बाप हमेशा आपको एक अच्छा सुझाव देंगे कि जिंदगी में आप क्या कीजिएगा ताकि आप आगे बढ़े, जिंदगी के हर एक मुसीबत से आप कैसे निकलिएगा, ये सलूशन आपके टीचर और आपके माँ बाप हमेशा आपको देते रहेंगे। इसलिए आपको अपने माँ बाप और टीचर का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनका आदर सम्मान। कभी वो गुस्सा हो जाए, कभी वो डांट दे आपको, कभी वो आपको क्या कहते हैं गुस्सा में आपके मार भी दे आपको, तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जितना ज्यादा आपसे प्रेम करता है, जितना ज्यादा आपसे प्यार करता है वो उतना, जब आप गलती कीजिएगा तो आपको हक है उनका कि आपको डांटेंगे, आपको बोलेंगे, आपको मारेंगे, लेकिन वो डांट वो मार वो सर आपका पिटाई आपको कहीं ना कहीं आगे अच्छा काम देगा, अच्छा रास्ता बताएगा, सक्सेस के रास्ता